स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे साइंस का जो नया सेट, माने सभी सब्जेक्ट का नया पांच सेट आया हुआ है, प्रोजेक्ट रेल मॉडल प्रश्न पत्र, ये वाला प्रश्न पत्र देखे ही होंगे, ये मॉडल पेपर जो कि जिला प्रशासन कोडरमा द्वारा निकाला गया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि बोर्ड एग्जाम आएगा सेम टू सेम, वैसे ही क्वेश्चन को उठाया गया है। तो ये पांच सेट आप कर लीजिए, और बर्मा का जो पांच सेट करा रहे हैं, बर्मा प्रेस का पांच सेट और झारखंड अधिविद का जो एक सेट दिया था, तो ये पांच दस ही सेट मान के चलिए, बर्मा का पांच सेट और ये पांच सेट, दस सेट आप कर लीजिएगा सही से तैयारी, तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बर्मा प्रेस का जो है सेट वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में ये वाला जो सेट पे, ये वाला जो मॉडल सेट है, ये वाला जो मॉडल प्रश्न है, इसका पांचों सेट का सॉल्यूशन इसी सिंगल वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट वन, पांचों सेट का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, और आखिरी जो वीडियो रहेगा इसका उसमें पूरा PDF दे देंगे सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए पहला सेट का साइंस का ये है, कल आपको सोशल साइंस का दे देंगे। इस तरह से रोजाना एक एक सब्जेक्ट का पूरा सेट MCQ, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे, ठीक। तो देखिए पहला सेट का ये पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जाता, ये मालूम होगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि एक ही में पूरा सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ। तो निम्न में कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो मिट्टी से लेंस बन ही नहीं सकता क्योंकि आर पार दिखेगा नहीं, लेंस बनने के लिए आर पार दिखना जरूरी है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधा रेखा में गमन करती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो आपतन 60 है तो परावर्तन भी 60 होगा। पानी में आंशिक डूबी पेंसिल टेढ़ा दिखता, पानी में अगर डूबा होगा पेंसिल है वो टेढ़ा दिखता, क्यों दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्यों, अपवर्तन के कारण, ठीक है। या सिक्का को रखते हैं कांच के गिलास में तो वो भी बड़ा दिखता है अपवर्तन का, नींबू को रखते हैं वो बड़ा दिखता है अपवर्तन के कारण। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बाय साइन आर, जिसको स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3×10⁻⁸ ms, यानी एक सेकेंड में 3×10⁻⁸ मीटर चलता है प्रकाश। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, माने देख सकता है, तो उसको सामंजन क्षमता कहते हैं, आंख में जो देखने की क्षमता है उसी को सामंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो चैप्टर पढ़े होंगे उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान लगता होगा, है ना, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होता होगा, तो याद कर लीजिएगा। नेत्र के आगे का भाग जो उभरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्वच्छमंडल या कोरोनिया, दोनों एक ही बतवा है, ठीक है, दोनों हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इंग्लिश में स्वच्छमंडल वही कोरोनिया कहते हैं। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने पर कौन सा दृष्टि, तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और अगर मोटा हो गया तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को, अवतल लंबा है, देखिए अवतल तो निकट लंबा वाला है, इसका शॉर्टकट बता है, दूर दृष्टि में कि दुई अक्षर है दूर, तो उत्तल छोटा है, अवतल से छोटा कौन, अवतल से छोटा नाम लिखाने में उत्तल है ना, तीन अक्षर, तो छोट बड़बड़ है ना, मतलब ट्रिक थोड़ा सा है, याद रखिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होता है, तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। 2, 3 और 6 ओम का प्रतिरोध है, उसको 500 क्रम में जोड़ा है, 500 क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3 जोड़ते हैं, तो 1/R1 हो गया 2, 1/3 हो जाएगा, फिर 1/6 होगा, तीनों का एलसीएम निकालेंगे 6 होगा, 2×3 6 हो जाएगा, 3×2 6, फिर 6×1 8, तो 3×2 5×1 6, 6/6 होगा, 6 काटेंगे तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, तो एक आंसर हो गया। फ्यूज को विद्युत युक्ति में कैसे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब ये फ्यूज अगर उड़ेगा तो बाकी उधर के आगे का पूरा लाइट कट जाएगा। अभिक्रिया 2NO+C में NO और CO हो गया, तो क्या हो गया, सी कार्बन, देखो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था उधर गया ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था उधर मिल गया, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ोतरी होता है तो उसको उपचयन कहते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CA कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये होता है बुझा हुआ चूना, और सूखल चूना का CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड,
और पानी दगरे बुझाते हैं तो वो हो जाता है। निम्न में कौन संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे का वस्तु हरा हो जाने, तो सब है, सब सही है, सब सब सही है। गंधी सूचक, रंधी सूचक लिख दिया, गंधी सूचक है ना। गंधी सूचक क्या है तो वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, तीनों का तीनों गंधी, तीनों महक बदल देता है। सुगंध इसका जो महक है वो बदल जाता है अम्ल और क्षार माध्यम में, तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोडियम लवण का परिवार है NaCl, यह भी सोडियम या एम भी सोडियम, तो दोनों में सोडियम है, तो दोनों है परिवार सोडियम का है। इनमें से कौन कथन असत्य, असत्य मैंने गलत, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये गलत बात है, तो दूसरा ऑप्शन गलत। कौन गलत है बोला, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। क्षारक का उपयोग एंटासिड क्या उधर, एंटासिड क्या है, एंटासिड किसको कहते हैं, तो जो अम्ल को मारता है, अम्ल जैसे पेट में गड़बड़ा गया है ना, पेट को अंदाजी शादी उदी में खा गया हुमच के और पेट गड़बड़ा गया, तो उसमें कौन सा इस चीज़ का उपयोग कराया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, दोनों का उपयोग कराया जाता है, क्योंकि दोनों में क्षारक है, क्षारक को ही एंटासिड कहते हैं, जो अम्ल को मारता है, तो अम्ल को क्षारक मारेगा, उदासीन करेगा, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा धातु उस, अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उपरोक्त सभी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों होना चाहिए ना, दोनों का उपरोक्त सभी में तो डी नंबर भी आ गया, उपरोक्त सभी में डी भी आ गया, तो थोड़ा लिखने में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों आंसर होगा है ना, पहला और दूसरा दोनों। अच्छा कौन सा धातु उष्मा का कुचालक, उष्मा का कुचालक माने जिसमें उष्मा पास नहीं होता है, तो लेड में भी नहीं होता, मर्करियम में होता है, तो दोनों हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, असत्य माने गलत, आयोडीन चमकीला अधातु है, सही बात है, हीरा सबसे कठोर, सही बात है, ये भी गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, तो ये भी तो सही ही लग रहा है, तो गलत कौन, अच्छा गलनांक, हाँ इधर एक है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल का जो नोखी होता है ग्रेफाइट, उसमें करंट लगता है ना, विश्वास नहीं है तो आप करंट उसको टच करके देख सकते हो, है ना, मेरा विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास, अगर है विश्वास तो ठीक है, याद करो। इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील धातु, हाँ पोटासियम, पोटासियम सबसे अभी अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया लेड, कॉपर, सिल्वर, तीनों के तीनों नहीं करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीनाबार किस धातु का वो अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है, मरकरी। निम्न में कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण, ऑक्सीकारक क्षार, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकारक का उदाहरण है। अगला मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बुआ, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पत्ते में जो रहता है पेड़ पौधा का। ब्रिक संबंध है, उत्सर्जन से, उत्सर्जन तंत्र है ब्रिक। पौधों में भोजन का स्थानांतर, भोजन के लिए ही याद करवाए थे, फल का फ्लोएम, जल का जाइलम, फल से फ्लोएम, जल से जाइलम, तो जल का परिवहन कहा था तो जाइलम, लेकिन फल का यानी भोजन का कहा है तो फ्लोएम हो जाएगा। थायरोक्सिन के स्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन की कमी से बोलते हैं ना गैट और घेंगा रोग होता है, यानी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। कौन सा पादप हार्मोन पति को मुरझाने, पति को मुरझाने के लिए एप्सिसिक अम्ल, एप्सिसिक अम्ल पति को मुरझा देता है। वीरिक का संबंध किससे, तो तभी क्वेश्चन आया था उत्सर्जन से। जनन का मूल घटक क्या है, तो DNA प्रकृति का बनना। जैव विकास की प्रकृति वीरण का है, का सिद्धांत किसने प्रतिबंध, तो जय विकास का प्रकृति विरलन का सिद्धांत डार्विन ने किया था, डार्विन ने दिया था। अनुवांशिकी का आधार क्या है, तो है DNA से ही तो गुण लक्षण जो है ट्रांसफर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो द्वितीय पोषीय स्तर या शाकाहारी, जो घास उस खाता है शाकाहारी, वही जो प्राथमिक उपभोक्ता पहला खरीदार कहते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। और पोषी स्तर भी है ना, क्योंकि देखो पहले घास फूस हो गया, उसके बाद उसको खाने वाला हो गया शाकाहारी, है ना, तो दोनों बतवाई के है और दोनों आंसर हो जाएगा सही। इसलिए पारितंत्र का अजैविक घटक होने, तो तापमान जिसमें जान नहीं होता, तापमान में जान नहीं, वर्षा में जान नहीं, मिट्टी में जान नहीं, तो सब सही है, सब सही, सब सही। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है, तो CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, तो पर्यावरण मित्र व्यवहार स्कूल मोटरसाइकिल से जाना नहीं, पर्यावरण मित्र नहीं, स्कूल पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, है ना, मोटरसाइकिल जाएगा, पेट्रोल खर्चा होगा, धुआं निकलेगा, ये सब तो ये पर्यावरण मित्र नहीं है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, जरूरत नहीं पड़ने पर बिजली का स्विच बंद कर लो, तो ये परिवर्तन का मित्र है, मतलब कपड़े का थैला उपयोग करो, ये भी पर्यावरण मित्र है, तो दोनों है। लेकिन मोटरसाइकिल जा रहा है, साइकिल से जाना चाहिए, स्कूल जाएगा मोटरसाइकिल से तो गड़बड़ है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कभी तो 1970 के दशक में हुई थी, है ना। तो ये पहला सेट का 40 क्वेश्चन खत्म कहानी, अगला सेट दूसरा सेट में आते हैं, दूसरा सेट का फटाफट देख ले 40 क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचों सेट देखेंगे, घबराना नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो आपका 95% लाने के लिए काफ़ी है।
साइंस में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सके। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए उसके लिए। तो देखो बाबू आभासी दर्पण के पीछे जब बनेगा तभी आभासी होगा और आभासी होगा तो सीधा डायरेक्ट रहेगा। आभासी और सीधा एक साथ रहता है और बड़ा रहेगा। तो ये दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच जब रहेगा, ये दर्पण है इसका ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पे रहेगा तो यहाँ पीछे में इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्य आर और फोकस दूरी में संबंध क्या है। आर इल टू टू एफ होता है या एफ इजल टू आर बाई टू होता है, ठीक है। तो एफ इल टू आर बाई टू नहीं, आर इजल टू टू एफ है, तो टू एफ से ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब प्रकाश किरण जल से हवा, जल क्या है, जल से हवा की ओर जा रहा है तो जल क्या है, सघन माध्यम है, माने बहुत घना है और हवा का अपेक्षा है ना हवा कम घना है तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर। अवतल लेंस का सदैव प्रतिबिंब बनता है कैसा, सीधा और छोटा बनता है। लेंस का क्षमता कैसा, मतलब डायोप्टर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला प्रश्न किधर गया, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा, समतल दर्पण जिसमें हम लोग सकल देखते हैं उसका जो है काल्पनिक बनता है ना और दर्पण के पीछे बनता है। मानव नेत्र जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको काबिल, जिस भाग में बनता है प्रतिबिंब इमेज उसको दृष्टिपटल कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या, तो वही दृष्टिपटल है, क्वेश्चन इसमें गलत है ना, ऑप्शन गलत है। द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में दोनों फोकस दिया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों का दोनों लेंस दिया जाता है ना। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडल या अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, विद्युत शक्ति का निरूपित कर रहा है कौन सा, नहीं करता वाला, नहीं करता था आईआर स्क्वायर नहीं करता है क्योंकि पावर शक्ति का पावर का फॉर्मूला होता है VI होता है, PVI तो भी का IR होता है तो IR रख देंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या R का I का फॉर्मूला होता है V/R तो V/R रख देंगे तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा और चौथा सब सही है, बस दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, ओम। विद्युत चुंबक की प्रेरण की परिघटना थी, देखिए कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को तो चुंबक प्रेरण कहते हैं ना, विद्युत चुंबक प्रेरण। अगला है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा का उपयोग यानी कि जैसे सौर कुकर का उपयोग बादल के दिन नहीं कर सकते ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको उत्पादक कहते हैं, और जो अभिक्रिया को तेज करता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया, तो उष्मा क्षेपी, क्योंकि उष्मा मिलता है शोषण में इसलिए उष्मा क्षेपी, और जैसा उष्मा लगता है जैसा हम उष्मा देते हैं उसको उष्मा शोषी, लेकिन उष्मा में शोषण में क्या होता है उष्मा निकलता है, ऊर्जा मिलता है, इसलिए उष्मा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें बोला किसका उपयोग उपयोग नहीं उपचयन हो रहा, उपचयन हो रहा यहाँ, तो जिसमें कार्बन बढ़ रहा ऑक्सीजन बढ़ रहा हो, देखो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था इधर आया ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, वो सफ़ेद सिल्वर का रंग, सिल्वर। कौन सा कथन सही नहीं है, NaOH लाल को नीला कर देता है, सही बात है। NaOH का क्षारक है तो क्षारक लाल को नीला करता है, HCl अम्ल है तो अम्ल नीला को लाल करेगा, है अम्ल नीला को लाल करेगा, ये भी सही है। तो अगला देखते हैं, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोला है लाल को नीला करेगा, तो ग्लूकोज ना अम्ल है ना क्षारक है तो काहे को ये रंग बदलेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन गलत है। अगला, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक किसका होता है, क्षारक का। जो क्षारक कौन है, रक्त, खून। खून देखिए तात चाट के देखिएगा खून को, कैसा कड़वा लगेगा, यानी क्षारक है। अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति अम्ल होता है, और धातु का जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होता है, ठीक है। अधातु अम्ल, अधातु से अम्ल याद करने का तरीका, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय, क्लियर है। लैक्टिक अम्ल की प्रकृति स्रोत, लैक्टिक अम्ल दूध दही है ना, दूध या दही दोनों सही होगा, दूध रहे तो दूध लगाना, दही है तो दही लगाएंगे। निम्न में से कौन सा तत्व द्रवस्थान पाया जाता है, तो ब्रोमीन भी मरकरी भी दोनों, तो दोनों सही है। निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील है, तो एयू गोल्ड सोना जिसको बोलते हैं, एक्वारिजिया पाया जाता है, तो HCl और ये दोनों अम्ल को मिलाने से एक्वारिजिया होता है, दोनों पाया जाता है। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह ब्यूटेनोन, नोन है रहा तो नोन किस में बताए हैं, केमिस्ट्री पढ़ाए हैं उसमें, कीटोन में नोन जुटता है, हैं, और ओल रहता तो ओन रहता था, ओल रहता था अल्कोहल होता है ना,
नोल ओल रहता था। फिर निम्न में किस तत्व के बाहरी कक्ष में, किसी तत्व के बाहरी तत्व, किस तत्व के बाहरी तत्व में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो सोडियम होता है 11, तो 2, 8, 1 उपस्थित है सोडियम। सोपोसिफिकेशन के लिए क्या आवश्यक है, सोपोसिफिक जो अपना वजन खुद बनाता है उसके लिए क्या जरूरत है वजन बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जरूरी है, जल का भी जरूरत है, क्लोरोफिल का भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत है, सब सही है, तो सब सही लगा दो। वृक्क की रचनात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जिसको वृक्काणु भी कहते हैं। ठीक है, मानव के हृदय में कितने चैम्बर था, 4 चैम्बर, 2 नीले 2 आलिंद। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं है, ये आदमी का हार्मोन है, थायरोक्सिन भी आदमी का है, एस्ट्रोजन भी आदमी का है, साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। शरीर का प्रमुख समन्वय का केंद्र मतलब कंट्रोल पूरा शरीर को कौन करता है, मस्तिष्क करता है। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, मुकुलन किसमें, ईस्ट में होता है, मुकुलन और हाइड्रा में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो परिपक्व हो गया तो फल में हो जाता है विकसित। समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का उपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सब है, सब एक है, सब है, सब सही। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहते हैं, तो मेंडल को है ना, तो पूरा नाम है गेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास गेहूँ आम नहीं, घास बकरी मानो सही है, घास को बकरी खाया, बकरी को इंसान खा गया, तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, उत्पादक है, उत्पादक 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 घास है और घास को खाने वाला वो सब है ना, और उपभोक्ता। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो वन नाशन यानी जंगल को बचाना। और खादिम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, 2 सेट कंप्लीट, घबराइएगा नहीं, नंबर जितना ज़्यादा देर रहिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, है 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट में कोशिश करेंगे सोल्व करने का, पूरा 40 मिनट देखिएगा, 40 में 40 आएगा, 30 मिनट देखिएगा 30 आएगा, 17 मिनट अभी हुआ है, 17 मिनट में भागिएगा तो 17 नंबर आएगा, सोच लीजिए। तीसरा सेट शुरू कर रहे हैं। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर दूरी पर खड़ा है, तो देखो बाबू समतल दर्पण के जितना दूर पर रहोगे ना उतने ही दूर पर पीछे में इमेज बनता है, तो 100 का दूरी में तो 100 दूरी पीछे बनेगा, तो बोला लड़का और प्रतिबिंब की दूरी, तो लड़कवा एन यहाँ पे और वहाँ बना, तो लड़कवा और शिशुआ का दूरी 100 और शीशा से फिर पीछे लड़का का दूरी 100, तो 100 और 100 200 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है का चीज़ है एक वस्तु को, तो जबकि फोकस दूरी 20 है। अच्छा देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण ऐसा होता है, फोकस दूरी 20 है, ये एफ मानते हैं 20 है और रखा गया है 10, यानी फोकस दूरी से पहले रखा गया है वस्तुआ को, अब फोकस दूरी से पहले रखा ले यानी पी और एफ के बीच रख लेते, पी और एफ के बीच रखने से पीछे बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी और सीधा होगा और बड़ा भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र विस्तृत माने बहुत बड़का होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र तो उत्तल का है ना, देखे ना गाड़ी का साइड वाला मिरर तनिको तरफ ही करता है लेकिन उसमें कितना दूर तक कई किलोमीटर तक दिखता है, यानी दृष्टि क्षेत्र उसका बहुत बड़ा होता है। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस क्या कैसा होगा, तो ये प्लस में हुआ, प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, माइनस में रहता तो अवतल लेंस होता। किस लेंस का फोकस आभासी, आभासी फोकस आभासी कैसे होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन उठ पर आएंगे। वायु से गमन करती प्रकाश कतरी प्रकाश ले, करती प्रकाश एक किरण जल में तिरछा प्रवेश करता है। अच्छा, वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, तभी एक क्वेश्चन था जल से वायु में है, मैंने सघन से विरल जा रहा था दूर भाग रहा था, लेकिन अब हवा विरल है और जल सघन, तो विरल से सघन में जा रहा है मैंने झुक जाएगा, झुकेगा नहीं साला, कहने से काम नहीं चलेगा, झुक नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है नेत्र पर, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया तभी था एक क्वेश्चन सेट वन में भी। पक्षमावी पेशियों के दुर्बल होने के कारण कौन सा दृष्टि होता है, तो उसमें जरा दृष्टि है ये नहीं ऑप्शन, तो इनमें से कोई नहीं। आँख की जल उत्तल लेंस, आँख में क्या उत्तल लेंस के वक्रता बदलने के लिए कौन सा मांसपेशी, तो सिलियरी एक मांसपेशी जो वक्रता को बदलता है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, दृष्टि पटल में, ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है। विद्युत धारा किस यंत्र में पाया जाता है, एमीटर से विद्युत धारा और वोल्टमीटर से वोल्टेज को, है ना, यानी विभवांतर। प्रतिरोधकता के समय तक ओम मीटर, प्रतिरोध खाली रहता तो ओम और प्रतिरोधकता रहे तो ओम मीटर याद रखें। चुंबक क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तर से प्रकट होकर दक्षिण में समाप्त होती है, तो उत्तर से, है ना। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है कौन सा है, तो
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होगा, जलीय विलयन का रंग नीला होता, सही है। और नाइट्रोजन Na2 नाइट्रोजन गैस का रंग भूरा होता है, ये सही, तो दोनों सही। चिप्स के पैकेट में विघटित दहन से बचाने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है, तो चिप्स के पैकेट में कुरकुरे मिक्सचर ये सब का पैकेट में नाइट्रोजन होता है। मीथेन का दहन का उदाहरण ऊष्माक्षेपी है, मीथेन जलता है तो ऊर्जा मिलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी, ऊर्जा जहाँ पे भी मिले ऊष्माक्षेपी। दीवारों पर सफेदी कहाँ से करते हैं, चूना से, चूना का सूत्र कहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये भी है, लेकिन ये चूना पत्थर तो पत्थरवा को थोड़े रगड़ते हैं दीवार में, पत्थर चूना पत्थर में पहले का है पानी डाल के उसको बुझाते हैं तब उसको करते हैं ना, तो CaOH2। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या, हल्दी, हल्दी का है प्राकृतिक ना, आदमी तो हल्दी को नहीं बनाता है। लिटमस पत्र ये भी प्राकृतिक है, वेनिला ये भी प्राकृतिक से बनता है, माने सब सही है, सब सही। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं, प्रबल माने मजबूत क्षारक नहीं है, तो सब तो प्रबल ही दिख रहे हैं, NaOH भी बहुत खतरनाक क्षारक, KOH भी, CaSO4 भी, तो सब सही, इनमें से कोई नहीं, सबका सब मजबूत है, बोला कौन कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। NaOH का उपयोग विका है क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साबुन और अपमार्जक में होता है इसका उपयोग। मेथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है, जैसे लाल चींटी के डंग में भी होता है, नेटल का डंग में, नेटल माने वो का फुटूस पतई जैसा दिखता है ना, वही वाला को नेटल कहते हैं ना, बरसात के दिन में उगता है, जिसको छूएगा ना पतैया को किसी में रगड़ दीजिएगा खूब जलाने लगता है पूरा, है ना, तो वही बोला पहले बहुत जोर ऐसा करते थे, किसी का शर्ट के अंदर घुसा देते थे छुआ वगैरह। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों है बउआ, दोनों स्वतंत्र आजाद। धातु जल के साथ अभिक्रिया करने कौन सा गैस, धातु जल से अभिक्रिया करें हाइड्रोजन निकलेगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला अभी तो देखे थे, तो कॉपर Ag सिल्वर और साथ ही साथ कॉपर भी इसमें है ना, Ag और Au के साथ कॉपर भी, चल डी हो स्वतंत्र अवस्था में, एक क्वेश्चन का काय को बार बार पूछ रहे हैं कॉपर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, मैंने गलत, कार्बन की समानता का गुण नहीं पाया जाता, एकदम गलत बात है, समानता का गुण कार्बन में होता है। और सारणी में बाईं से दाएं जाने से क्या होता है, तो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, संयोजकता है ना। पादप में जल का वहन के लिए जल, जल का, जल के लिए जैलम, जैलम, और फल के लिए फ्लोएम। मछली का कैगो कोष्टक होता है, हृदय में तो दूगो होता है बुआ। निम्न में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र माने देखिए आधारी निषेधन एकक ये उत्सर्जन तंत्र में होता है, कोशिका गुच्छ भी होता है उत्सर्जन तंत्र में, चयनित पूर्णावशोषण पुनर्वासोषण भी होता है, माने सब कम होता है, ये सब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। रक्त दाब किस तंत्र से पता चलता है, तो ब्लड प्रेशर को नापते किससे है, तो स्फाइगमोमैनोमीटर। कौन से हार्मोन अधिवीरिक, अधिवीरिक मैंने किडनी में कौन सा हार्मोन, किडनी पर को, तो कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से, जो खपड़िया के अंदर मस्तिष्क पास है। विषाणु जनित रोग यानी विषाणु किसको बोलते हैं, वायरस को, तो वायरस जनित रोग HIV एड्स है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जब 8वां चैप्टर बायोलॉजी पढ़ाए थे, तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में बन जाता है भ्रूण के विकास के समय, तो उसको प्लेसेंटा कहते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है, तो ट्राइलोबाइट, नाइटिया, राजस्वर, सब है, राजस्वर को डायनासोर के कपार को कहते हैं, इस तरह से अलग अलग पढ़ा बताए थे जब चैप्टर पढ़ाए थे, हम भी भुला जाते हैं। निम्न में कौन बौना पौधा दर्शाता है, बौना कौन दिखाता, तो छोटका टी कहाँ हुआ, F लिख दिया यहाँ, TT हुआ है ना, टी ई छोट टी हो गया, तो बौना पौधा ई छोटका वाला दिखाएगा ना, और लंबा बड़ा टी एक भी आ जाएगा तो लंबा पौधा कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णन जिसको बोलते हैं, उरामन लिखा है, उष्णन है ना, वैश्विक उष्णन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए उतर जाइए। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम का उदाहरण खेत बागवानी दोनों का दोनों है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। चलिए चौथा कुछ सेट में आते हैं, चौथा सेट में फटाफट आते हैं, 40 मिनट में पूरा करना है, 20 मिनट पार हो गया है, जल्दी करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस दूरी के दुगुना पर रखा जाना चाहिए, तब ये होगा। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला बीच वाला रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी यानी हजामत बनाने से किस, तो अवतल दर्पण का, दाढ़ी में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब
पीछे बनता है जब वो वस्तु कहाँ पर हो, तो पीछे का पी और एफ के बीच रहता है तब दर्पण के पीछे बनता है ना, तभी से ये वाला दो को क्वेश्चन रिपीट किया, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के, है ना, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आँख के रंग में भाई को आयरिस कहते हैं, आयरिस परितारिका भी कहते हैं। मस्मानी नेत्र की दूरबिंदु, दूरबिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सूरज उगने और डूबने के बीच लगभग कितना मिनट का अंतर होता है, तो दो दो मिनट का अंतर होता जाता है रोजाना। दृष्टि दोष कितना होता है, तो तीन को होता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि। किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट है यानी विभवांतर, और 100 वाट इसका शक्ति है, तो 110 के लिए कितना शक्ति चाहिए, कितना वाट चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 220 के लिए अगर 100 चाहिए तो 110 में कितना चाहिए, 110 वोल्ट के लिए आधा, देखना 220 का आधा 110, तो एकरा भी आधा कर दे वाट को भी, तो 100 का आधा 50, डायरेक्ट समझ में आ रहा है, 50 आंसर होगा। एक कूलम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 0.6×10⁻¹। चुंबक क्षेत्र अधिक प्रबल होता है चुंबक के ध्रुव पर, ध्रुव पर ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवन का न्यूनतम स्पीड कितना होना, वेग कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से हवा चलेगा, पवन चलेगा, तबे पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। साग सब्जी विघटित होता है तो क्या बनता है, खाद बन जाता है, खाद से ऊष्मा मिलता है, ऊर्जा गैस मिलता है, गैस बनता है, उसमें छिपी अभिक्रिया है। BaL2I2 का है, हाँ कुछ भी है, थोड़ा सा मिस्ट प्रिंट है यहाँ, लेकिन एक चीज़ देखिए, आई वाला जो भी है वो BA के साथ था, BA के पास चल गया, SO4 Na के साथ था, वो BA के साथ चल गया, मैंने अदला बदली हो गया, अदला बदली को क्या बोले हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो लवण और जल मिलता है, तो दोनों सही है। और ABCD का चीज़ है, बोला pH का मान 2, 7, 10, 14 है, तो कौन अम्ल है, तो 7 से कम वाला अम्ल होगा, तो 2 अम्ल है, तो 2 मतलब पहला ए आंसर सही होगा। एंटासिड क्या है, क्षारक है, तो एक तरह का, तो मिंगलिक्स मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों क्षारक है, दोनों आंसर सही है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना है, तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, तो चूना है ना, चूना, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर जिसका घर में ना रहता है तो चूना को छिड़कते हैं, ठीक है, तो चूने से बना है, इसलिए चूना। उभयधर्मी ऑक्साइड तो दोनों है बबुआ, उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड और ई का है, NO लिखल, ZNO जिंक ऑक्साइड है ना। कांसा मिश्र धातु, कांसा कपर और सीनाबाद, काकोर SN का है ना। चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम सोडियम पड़े, तीनों को चाकू से काट सकते हैं, सभी सही आंसर है। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 17 में 2, 8, 10, 8, 17 क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का सही है। निम्न कौन कथन असत्य, असत्य मतलब गलत कौन है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध त्रिआबंध होते हैं, सही सही है। मीथेन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, तो गलत बात, मीथेन CH4 यह असंतुलित है, एक एक कार्बन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको असंतुलित कहते हैं, और इसमें बोल दिया मीथेन असंतुलित, गलत बात बोल दिया, ये गलत बात है, हैं तो कौन असत्य मतलब कौन गलत बात है, तो बी नंबर गलत बात, तो बी एक सही आंसर हो गया, लेकिन ये दोनों में देखिए थोड़ा मिस प्रिंट है। एल्काइन का सामान्य सूत्र ठीक है, CnH2n-2, अब यहाँ फिर से एल्काइन का लिख दिया, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये एल्केन होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, तब सही होगा, और नहीं तो दो को गलत हो गया, ई भी है ना। हाँ अगला क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र, बेंजीन ऐसा गोल जो बनता है ऐसा ढोंगरा, तो ये C6H12 हो गया। इनमें से कौन उपधातु नहीं है, हाँ बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब उपधातु है, हाइड्रोजन नहीं हुआ। पाइरूवेट का विखंडन हो से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों का वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, वाष्पोत्सर्जन पत्तन होता है, पत्तों में। आमाशय कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। फल पकने के लिए कौन सा, तो एथिलीन हार्मोन फल पकाता है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। निम्न कौन मादा प्रजनन का भाग नहीं है, मादा अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी मादा में, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिनी तो बेटा छुआ का है, मैंने नरगा। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्र का युग्म यानी कन्या होना हो गया है, अरे टिक ये ऊपर टिक हो ऊपर हो गया, 23 जोड़ा है ना, 23 जोड़ा युग्म माने जोड़ा होता वो हुआ, तो 23 जोड़ा, और संख्या पूछता थी 46। मानव लिंग
मानो में स्त्री का लिंग गुण सूत्र एक्स एक्स होता है, स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई। निम्न में कौन जैव अनम्लीकरण पदार्थ है, डीडीटी अनम्लीकरण पदार्थ है। अगला, पेड़ पौधे जंतु और सूक्ष्म जीव पर्यावरण कैसे घटक है, तो पेड़ पौधा जंतु सब में जान है तो जैविक है, जिसमें जान है वो जैविक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक जो सदियों से नहीं चलते आ रहा है, पवन ऊर्जा एक गैर पारंपरिक नया टेक्नोलॉजी है। कुल जल संचयन एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में, किस देश का विधि है, तो हिमाचल प्रदेश का। क्लियर है, तो ये आखिरी सेट में आ गए हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में आपको 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, नेत्रगोलक का आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि को दूर, अवतल बड़का देखो, अवतल अवतल तो निकट, निकट दूरी होगा, और उत्तल में दीर्घ दृष्टि। विद्युत आवेश कैसा होता है, कुलाम। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर है, अरे कितना सेंटीमीटर, वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो जितना भी दिया हो रहा था फोकस दूरी क्या होगा, त्रिज्या फॉर्मूला F/2 होता है, तो फॉर्मूला जानबे करते, फॉर्मूला में लगा के ही कर देना है, नहीं दिया हो इसमें। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु का बराबर होता है, बराबर होता है किसमें, समतल दर्पण में। समतल दर्पण कौन वाला, जिसमें सकल सूरत आप देखते हैं, है ना, जो घर में आईना जो यूज करते हैं उसमें बराबर दिखता है ना, जितना बड़ उतने बड़ दिखेगा, जितना करिया उतने करिया दिखेगा, जितना गोर उतने, है ना, कोई फिल्टर नहीं करता है ना, कोई बड़ ना छोट करता है। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, तो दृष्टि क्षेत्र किसी दर्पण का विस्तृत होता है, लिखा किस में विस्तृत होता है, क्वेश्चन में तब यो है तो उत्तल में, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, हजामत बनाने में, हजामत मैंने दाढ़ी बनाने में कौन, तो अवतल, अवतल दर्पण। निर्वातन प्रकाश का चल कितना, तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड लिखा लें, मीटर पर सेकेंड होगा, है ना, मीटर पर सेकेंड, तो ये सही। प्रकाश का अपवर्तन का कई गो नियम, तो दो गो नियम हुए, दो गो। लेंस का ऐसा मात्रक क्या होगा, लेंस का क्षमता कैसा मात्रक, तो डायोमीटर होगा। और प्रतिरोध को अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका धारा का मान क्या होगा, धारा, तो आई बराबर फॉर्मूला का होता है, वी बाय आर होता है, वी बाय आर, तो आर को बोल रहा है प्रतिरोध 2 गुना कर दे, तो 2R हो जाएगा, तो 1/2 वी बाय आर हो गया, माने आधा हो गया, 1/2 माने आधा हो जाएगा आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा विद्युत जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र माने जनरेटर, जनरेटर को हिंदी में विद्युत जनित्र कहते हैं। जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, मोटर से थोड़ी होता है, मोटर तो विद्युत से चलता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, कौन करता है, फिर से चुंबक, वो क्या उत्पन्न करता है इसमें, है ना, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला को अभिकारक कहते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया, अभिकारक कहते हैं, ठीक है, और बनता है उसको उत्पादक। कौन सा सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित मंडल टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन याद करिए, AgCl है ना, AgCl दोनों टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा, धूप में रखेंगे, वह अभिक्रिया जिसके अपघटित होने से ऊर्जा अवशोषित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा निकलता है जिससे, तो उसको ऊष्मा है, अवशोषित होता है, ऊष्मा का अवशोषित लगता है ऊष्मा, तो ऊष्मा शोषित, और ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा छिपे। एक विलयन लाल को नीला कर रहा होगा, तो लाल को नीला कर रहा है तो क्षारक होगा, और नीला को लाल कर देता हमने। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु ऑक्साइड की क्षारी होती है, इससे पहले क्वेश्चन था अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा था, अधातु का अम्लीय होता है। अम्ल जलीय विलयन की में उत्पन्न करता है, अम्ल जलीय विलयन में क्या करेगा, H+ आयन, और क्षारक क्या करता है, OH- आयन उत्पन्न करता है। कमर के तहत द्रवस्था में पाया जाता है कौन, HG मरकरी, AG लिखा हुआ था यहाँ, तो HG आंसर होगा, है ना, HG मरकरी। चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी तो रिपीट कर रहा क्वेश्चन है ना, इनमें सभी होगा। सीसा और टिन का मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। निम्न में एल्कोहल पर्यात्मक समूह का फॉर्मूला OH है, OH, दो गो ऑप्शन दे दिया, देखो दो, तो दोनों सही है ना, तो मिसप्रिंट होगा। निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरल साधारण मीथेन, शुरू वाला पहला CH4। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 होता है, और एक का चीज बोलते उसको 18 होता है समूह की संख्या। एक कोशिका के जंतु का उदाहरण अमीबा, एक एक कोशिका होता है। मानव मुख गुहा में कितना जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित करता है कौन होता है, कहाँ से, अंडाशय में, अंडाशय द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सब काम का तो मेन भाग यहाँ मस्तिष्क से है, तो सोचना का भी वही करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर को संतुलित बनाए रखना, सब कमों को कंट्रोल वही करता है, तो सब सही है।
हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बउआ? तो डीएनए कोशिका द्रव केंद्र सब में, सब एक बतवा है, सब में लिख दीजिए ठीक। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया? जीन किसने? तो जीन जॉनसन ने लिया था, जॉनसन। देखो नंबर से पता चला जॉन जीन है। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन, देखो बउआ यहाँ पे शब्द कौन है? अनुवांशिकी का बाप भले मेंडल को कहते लेकिन शब्द दिया था वेटसन ने, वाटसन लिख दिया वाटसन ने ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य, सूर्य से बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डेंगू उत्पन्न करने साफ है जल में डेंगू उत्पन्न होता हुआ है ना। निम्नलिखित में नवीकरण संसाधन, नवीकरण माने जो नया कर सकते हैं, जंगल को नया कर सकते हैं, फिर से पौधा फिर से लगा सकते हैं, कोयला को नहीं बना सकते, पेट्रोल को नहीं बना सकते, प्राकृतिक गैस को भी नहीं, लेकिन जंगल को बना सकते हैं। वन्य प्राणी को लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी, बांधों का निर्माण, नवीकरणीय, वायु प्रदूषण, लगभग सभी है, लेकिन नवीकरण यानी जंगल को काटना सबसे बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा आंसर हो गया ठीक। 4 सेट कंप्लीट, देखो 40 मिनट में बोले थे 4 सेट कंप्लीट रहेंगे, लेकिन 40 मिनट नहीं लगा, समझाते जाएंगे इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, नहीं तो इतना थोड़ी खाली बनाने में इतना भी नहीं लगेगा ठीक है। तो चलिए 36 मिनट आपको 40 नंबर लाने के लिए काफ़ी है, ये 35 मिनट तो जो फिर अभी तक देखे होंगे, अभी तक जो होंगे उम्मीद करेंगे कि वो पढ़ाकू बच्चे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सभी लोगों तक वीडियो को पहुँचाएंगे, ताकि सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई सेट लेकर के। याद रखिएगा 10 सेट सबका कराएंगे, 10 सेट देखने के बाद अगर आपका 100% में से कम 95% नहीं आएगा तो फिर लानत है आपके पढ़ाई में ठीक है। तो जरूर आएगा, सब सेट खाली देखिए, 10 सेट है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।